देखिए, ये इनके खेतों के बीच में ये रहे राहुल जी, इनका मुर्गी फार्म है। इस प्रोजेक्ट में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन आगे रहेगा। इस पे मैं सोलर डलवाने वाला हूँ ऊपर, ये मुर्गी फार्म के ऊपर आप देख सकते हैं। इस पे हम सोलर डलवाने वाले हैं, क्योंकि आगे यहाँ पे जो मशरूम फार्म भी चलेगा उसको एयर कंडीशन लगेगा, तो उसको पावर चाहिए। इनको मुर्गी फार्म के लिए पावर चाहिए, प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, बिजली की खपत चाहिए। ठीक है, तो ये इनका मुर्गी फार्म है जिसमें प्रोडक्ट तैयार भी, आज रात में इनकी मुर्गियाँ उठनी भी हैं, जानी है सेल्स के लिए। आइए, इनकी 1 महीने की मेहनत देखते हैं। चलिए, ये देखिए बच्चे हैं। जो आप मुर्गी फार्म करते हैं, इसके इससे आपको क्या आर्थिक संतुष्टि है? संतुष्टि तो है, बिजनेस है। हाँ, कभी ऊपर नीचे होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, होता है, लेकिन फिलहाल बहुत ठीक है, मतलब पहले से तो ठीक है, पहले से बहुत। और चूंकि अब इससे जुड़ के अन्य प्रोजेक्ट भी खड़े हो रहे हैं, तो बैकअप भी लेगा। इसी के से पूरक है, और भी कार्य कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो एक तरह का इन्वेस्टर भी है आपके लिए ये। आइए भैया, आप भी छोटे भाई हैं, साथ खड़े होइए। देखिए, भगवान श्री राम की कृपा से ये दो राम लक्ष्मण जैसे दो छोटे भाई हैं, और ये बहुत मेहनत करके 8 प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। ठीक है, और आप पूरी डॉक्यूमेंट्री को देख पाएंगे, और इनकी मेहनत है देखिए, और खेती भी कर रहे हैं, और गांव में रह के गर्व के साथ कैसे हम अपने गांव में अपनी संपत्ति पे रहकर, सही बात है भैया, हैं हम बिना किसी की नौकरी किए, बल्कि 200 लोग को नौकरी दे सकते हैं। तो अन्नदाता जो होता है फार्मर, अगर वो गर्व करे अपनी जमीनों पे, तो थोड़ी सी मेहनत करे, साल 2 साल का धैर्य रखे, तो कर सकता है ना। सुनिए, हम दूसरों की नौकरी तैयारी करने के लिए, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए साल 2 साल 4 साल तैयारी करते रहते हैं। लोगों के पास 20-20 बीघा जमीन पड़ी हो, जाके 12,000 की नौकरी गुजरात में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नौकरी करके आए, पिताजी आज भी नाराज थे। हाँ सुनिए, अब ठीक है, जो है बिजनेस हमारा बढ़िया चल रहा है। हाँ, नहीं वो चल इसलिए रहा है क्योंकि कमिटमेंट डिगे नहीं, मेरे से आप 3.5 साल पहले मिले थे ऑफिस में, कैजुअली ब्लॉक ऑफिस में, और कंसल्टेंसी देते देते तमाम जगह से ज्ञान अर्जित किया, मेहनत की, प्रोसेस किया, धन अर्जित किया, कैसे भी करके अपनी जमीनों को आज कमाशुद्ध बना दिया है। और अभी इनके कई प्रोजेक्ट्स और आएंगे मेरे पास, है ना प्रोजेक्ट, इनको नहीं पता है, मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इनके पास कुछ रॉ मटेरियल हो गया, तो मेरे लिए भी आसान हो गया है नए आइडियाज बताना, क्योंकि एकदम एकदम बैरन लैंड पे कुछ नहीं खड़ा होता, तैयारी करनी पड़ती है। आप वर्मी कंपोस्ट का भी काम चालू करने जा रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ ना, इनके 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। तो एग्रीबाइट का जो ऐप है उसमें 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, एक फार्मर अकेला 10 प्रोजेक्ट्स कर सकता है। अभी और भी चीजें हैं जो इनको पता नहीं, जो आपका पपीते का फार्म लगेगा उसके बीच में ड्रैगन फ्रूट भी लगाऊंगा मैं। हाँ, ड्रैगन फ्रूट है ना, ब्रोकली लगाता हूँ, सब्जी लगाता हूँ, बिल्कुल। तो इंटरक्रॉपिंग के लिए नॉलेज लीजिए, कंसल्टेंसी जरूरी है, अदरवाइज आप 20,000 रुपए का धान बोते रह जाएंगे प्रति बीघा। मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ, आप हमारे साथ लैंड कंसल्टेंसी लीजिए, 1 बीघे में 10 लाख रुपए फल सब्जी से कम, और महोगनी बोइए, लकड़ी उगाइए, छोटे मोटे ये सारे ये रेडी मनी वाले प्रोजेक्ट्स करिए, और इनके जैसे प्रेरणा स्रोत जैसे लोग हैं उनसे भी सलाह लीजिए, सीखिए, उनके फार्म को विजिट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। YouTube चैनल पे भी पहले मैं खेत पे बिजली, इंटरनेट होना, रोड होना, मतलब शहर में इंटरनेट बिजली और रोड होने से ज्यादा जरूरी है, गांव के हर खेत पे बिजली इंटरनेट रोड होना, सोलर होना अब ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भोजन नहीं होगा तो देश चलेगा नहीं, फ्यूल नहीं होगा तो चल जाएगा, लेकिन भोजन नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ये बात जान लीजिए। तो हमारे हर फार्म पे हम टावर लगाते हैं, इंटरनेट से करते हैं, ताकि हमारे जैसे कंसल्टेंट मैं रोज आपके पास नहीं आ सकता, मानते हैं? बिल्कुल, है ना। और मेरे जैसे लाखों कंसल्टेंट हैं जो आपको मिल सकते हैं मुफ्त, है? लेकिन अगर यहाँ एक इंटरनेट लगा हो, टावर यहाँ इंटरनेट पहुंचे, मैं वहीं से लॉगिन करके देख लूं क्या स्थिति है। ठीक है, एक खेत पे इंटरनेट लगवाने में कितनी भी दूर हो, भारत के किसी भी कोने में, 20,000 ज्यादा नहीं लगता 25,000 से। एक बार आप इंटरनेट लगवाइए, आपको लाखों सलाहकार फ्री में मिल जाएंगे, लाइव वो लॉगिन करेंगे, आपको बायर कंपनियां लाइव लॉगिन करके देख लेती है, अच्छा माल तैयार है क्या, अरे मैं चढ़ के रेट दे रहा हूँ 5 रुपए, यार उनको मत दो,
ठीक है। तो एग्रीबाइट सारे फार्म्स पे इंटरनेट पावर सोलर ड्रिप मल्चिंग बैरिकेडिंग फेंसिंग कंसल्टेंसी लेबर मैनेजमेंट परचेज मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट सब चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म एग्रीबाइट का ऐप गूगल प्ले पे आने ही वाला है, टोटली रेडी है, 100 से ज्यादा फार्मर्स यूज कर रहे हैं। अब जैसे इस फार्म पे जितनी सोलर अवेलेबल है ये सिर्फ ट्यूबवेल चलाने के लिए इनफ है, लेकिन देखिए ये जगह खाली है हमारे पास, दिखाइए भैया पीछे, इसमें भी सोलर। और प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा के दिन जो सूर्योदय योजना आई है भैया, जो सूर्योदय योजना आई है उसके तहत सभी किसान अपने प्लॉट पे 3 किलोवाट तक का सोलर एक्स्ट्रा और ले सकते हैं और 78,000 उस पर सब्सिडी है। इसका डिटेल किस लिंक पे है, कैसे अप्लाई करना, आपके हर जिले में ये पहुंच चुका है, बहुत तेजी से हो रहा है, अपने घरों पे भी सोलर लगा सकते हैं, सोलर को बढ़ाइए। सऊदी अरब से डीजल पेट्रोल मंगाना बंद करना है हमको, ये हम किसान इसमें बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। गोबर की खेती करिए, क्या किसका करें, बांस की खेती करिए, बायोडीजल बनाइए, ठीक है, बायोडीजल के प्रोजेक्ट्स आए हैं, सब्सिडी मिल रही है। आप जानकारी के लिए प्रश्न करें, ऑफिस आए, ऑनलाइन हमसे कंसल्टेंसी करें, जो हमारे फार्मर्स हैं नंबर दिए जाते हैं हमेशा, उनसे आप बात करें। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है, और हमारे अंदर दम है, थोड़ी एनालिसिस करें, हिम्मत करें, पेशेंस चाहिए, शिकारी का गुण चाहिए, किसान का गुण चाहिए। किसान के अंदर पेशेंस होता है, बो के इंतजार करने का समय होता है, रातों रात पैसा तो लेबर कमाते हैं सर, हमको लेबर नहीं बनना, वो बुरी स्थिति में बनिए जब एकदम आखिरी समय आ जाए, लेकिन कोशिश करिए आगे बढ़ने की। धन्यवाद। ये जो प्रोजेक्ट है सोलर का, देखिए ये सोलर पैनल भी इन्हीं का है, सरकार से आपको कुछ सहयोग मिला भैया? हाँ, सरकार क्या सहयोग मिला बताइए थोड़ा सा। 60% सब्सिडी मिली है हमको। बहुत अच्छा। तो किसान वहाँ पे सरकार के पास किस विभाग में अप्लाई करें तो उनको सहयोग प्राप्त हो सकता है सोलर में? हम लोग इसको जो है ब्लॉक से, जो है कृषि विभाग। अच्छा, कृषि विभाग से। और ये खेत भी आपके यहाँ, इसमें मुर्गी की खाद, गोबर की खाद, ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ है माल, और हम लोग प्रयासरत है कि हमारी कुसुम योजना के अंतर्गत ये है। अच्छा, कुसुम योजना के अंतर्गत इनको मिला है ये, है ना। तो देखिए आप निर्भर किसान हैं, ऑर्गेनिकली पूरा चीजें उग रही हैं, मुर्गी खाद गोबर की खाद इस्तेमाल हो रही है, आप इनसे फसल खरीद भी सकते हैं, हम खुद खरीदने वाले हैं। और मैं गर्व के साथ बताना चाहूंगी हमारे यहाँ के जो मेस और पुलिस ऑफिसेज हैं और बल्क जो मेस चल रही है हमारे शहर में प्रतापगढ़ में, वहाँ पे हम इसको सप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके जैसे हमारे साथ और भी किसान जुड़े हुए हैं, तो इससे क्या है कि हम अपने देश के रक्षकों को, समाज के रक्षक जो हैं, डॉक्टर्स जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनको हम शुद्ध खिलाएं और हमारे लिए अच्छा कंजम्पशन है। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जिसको सरकार को भी अडॉप्ट करना चाहिए कि अपने कम से कम अपनी खपत में तो ऑर्गेनिक किसानों को दे। क्या आप ये बोलिए, आपको चाहिए ना ये सर, जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं वो, हाँ उसकी खपत सरकार अपने यहाँ क्यों नहीं कराती? आलू की खेती ऑर्गेनिक करते हैं, ऑर्गेनिक खेती हम लोग करते हैं, हाँ। और ऑर्गेनिक वस्तुएं लोग को यूज करना चाहिए। तो लोग कौन, सरकार अपने यहाँ तो ले, आईआईटी की मेस में, आर्मी को, बिल्कुल बताइए, तो आप मांगिए, संस्थानों से जुड़े हुए लोग हैं, हाँ। वो अगर पहले यूज करेंगे तो हम भी मतलब उगाना भी आसान होगा हमारे लिए, भी वो होगा, मतलब मनोबल बढ़ेगा। कई बार आप मेहनत इसलिए नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि आपको पता नहीं कोई खरीदने वाला है कि नहीं। तो अगर कोई प्रोडक्ट, प्रतापगढ़ के जो कप्तान साहब हैं, मेरी मुलाकात हुई है सांसद साहब से, आप ये विनती करना चाहेंगे कि वहाँ पे ऑर्गेनिक किसानों का उत्पाद को प्राथमिकता दी जाए और एक 1 पॉइंट काउंटर हो जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम भी गर्व से कह सकें कि हमारे देश के रक्षक और समाज के रक्षक और हमारे डॉक्टर्स हमारा उगाया खाते हैं, हमें मेहनत करने में मजा आती है। अदरवाइज हम मंडी में बिचौलियों के बीच में फंस जाएंगे तो फिर हम कभी आपको उत्तम उत्पाद नहीं दे पाएंगे। बंद कर देते हैं लोग खेती करना, मतलब जो सब्जी वगैरह फल वगैरह उगाते हैं ऑर्गेनिक, अगर उसका सही रेट नहीं मिल पाता है बिचौलियों के चक्कर में, तो हम लोग जो है बंद कर देते हैं कोई भी खेती अगर ठीक ठाक करते हैं, हाँ। तो यही कारण है समाज में यहाँ ऑर्गेनिक आलू की खेती है। आलू खा के देखिए, आप कहेंगे कभी जो है आलू। तो बल्क सब्सक्रिप्शन में सरकारी संस्थाओं में और उनके सिस्टम में जहाँ भी खाना प्रयोग होता है वहाँ पे ऑर्गेनिक को प्राथमिकता दी जाएगी, समाज में भी बात फैलेगी, ठीक है। तो ये हमारी करबद्ध प्रार्थना है, धन्यवाद। ये राहुल जी का प्लॉट है, लगभग 3 साल से 4 साल से हम लोग जानते हैं आपस में, है ना, 3-4 साल। और ये जाली देखिए आप लेके आए थे हमसे, नजदीक लाइए दिखाइए, क्या इसमें मोर्चा लगा है, बताइए राहुल जी। नहीं, बहुत अच्छी जाली है, इसमें एक भी जंग नहीं, ये देख लीजिए नीचे उठा के, कहीं भी जंग नहीं, मिट्टी में टच है, घास में घुसी है, टच है, घास में घुसी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो बहुत अच्छा है, सुनिए, जो मार्केट में जाली मिलती है, हम लोग ये फेंस मैन्युफैक्चर करते हैं, एग्रीबाइट की अपनी फैक्ट्री है, तो दो क्वालिटी की मिलती है, कोल्ड जीआई, हॉट जीआई।
हॉट जीआई 6 रुपए किलो महंगा रहता है और लेकिन उसमें मुर्चा नहीं लगता है, लेकिन क्या ये जाली महंगी है? नहीं, नहीं एक है, मीटर में 100 रुपए, लेकिन पता है और लोग एक मीटर में 250 रुपए खर्च करते हैं, हमने आपका 100 रुपए खर्च करा, तो क्या हमने कोई जादू किया? बहुत अच्छा जादू इसलिए नहीं किया, ये आइए नजदीक आइए, ये 5 इंच छेद है, तो हमने जब छेद 1 इंच बड़ा किया और तार को 1 नंबर पतला किया, मतलब 12 नंबर तार में ले गए, तो ये 1 मीटर में 1 किलो वजन गिरा, तो 80-85-90 रुपए में इनको मिल गई, यही चीज 350 में मिलती। तो एग्रीबाइट ने जितने भी फार्म में किया, हम लोग डायरेक्ट ऐसे सेल नहीं करते हैं, सारे फार्म्स को ही देते हैं, किसी डीलर्स को भी सेल नहीं करते, क्योंकि किसानों के माल पे एक्स्ट्रा कमीशन जो जुड़ता है उससे वो महंगा भी हो जाता है। तो मेरी ये जाली 6 रुपए किलो में महंगी है, लेकिन चढ़ती 2.5 गुना ज्यादा है ना, तो जो प्रोजेक्ट 1 लाख में घेरा जाएगा वो 40,000 में ही हो जाता है इस अप्रोच में, और मुर्चा ना लगने की गारंटी है, जबकि ऐसी जीआई जाली आपको हार्डवेयर की दुकानों में भी मिलेगी, और हार्डवेयर की दुकानों का लक्ष्य होता है आपको लोहा टिकाना, वो लोहे के व्यापारी हैं, और हम व्यापारी हैं आपकी उपज खरीदने के, हम हमारा ये व्यापार नहीं है, हम इसको सिर्फ सुरक्षा, हमारी जी उपज है उसकी सुरक्षा के लिए इसको बेचते बनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे किसान की सुरक्षा बन सके। तो क्या आप ये जाली लोगों को रेकमेंड करेंगे? जी, जी। है ना, जितना चाहे आप तान सकते हैं इसको, अरे कर सकते हैं, है ना? अच्छा है, आप आइए भाई, आगे आइए, दिखाइए, लगभग ये 3 साल के ऊपर हो गया है इसको लगाए हुए, है ना, और नई जाली पुरानी जाली में आपको कभी फर्क नहीं दिखेगा, आपको हमेशा याद रखिए, कहीं से लीजिए, हमसे लेने की आवश्यकता नहीं, हो सकता है भारत के दूसरे कोनों तक जाली ना पहुंचा पाए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हम करते हैं बैरिकेडिंग के, लेकिन आप जब भी लें उससे बात करें, मुझे हॉट गैल्वनाइज्ड आयरन चाहिए, मतलब हॉट जीआई चाहिए, वो क्या होता है, गर्म लिक्विड में डुबाया जाता है तारों को, और जो उसी को कोल्ड में जब करते हैं तो उनका 6 रुपए बच जाता है, तो रायपुर से जब तार चलता है उसमें वहीं से पैसे का फर्क है, ठीक है। तो जीआई भी मार्केट में 2 प्रकार की है, ठीक है, किसानों को ये जानना जरूरी है, चाहे वो कांटे का तार खरीदें चाहे वो नॉर्मल जाली खरीदें, हमेशा हॉट जीआई ही लेंगे, ठीक है। और कोई बात आप बताना चाहेंगे? ये लगाने से आपको नहीं, बहुत अच्छा खेतों है। में घिराव की समस्या खत्म, बकरी हो गए, जानवर हो गए, इसके ऊपर आप लौकी वोकी भी उगा सकते हैं। हाँ। अरे सब्जी खेती किए थे, पूरा जो है गांव खाया था पूरा, तो अच्छा एक मिनट, राहुल जी के कई प्रोजेक्ट्स हैं, मुर्गी फार्म है, मशरूम फार्म स्टार्ट हुआ है, आपने वीडियो देखा हमारे चैनल पे देख सकते हैं, नर्सरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, नर्सरी स्टार्ट करने, गौशाला है, और कुछ भी है तो बता दीजिए जो मैं नहीं जानता, बस बाकी नॉर्मल खेती भी है, और कुछ है प्याज, शायद प्याज की है, उसके अलावा शायद आप भविष्य में पपीते की खेती भी शुरू करेंगे, आप मैं आपकी 25,000 पौधों की पपीते की नर्सरी डलवाने जा रहा हूँ, इसका अपडेट कैसे बारीकी होगी कैसे करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें नंबर भी रहेगा, आप डायरेक्ट आके देख भी सकते हैं, एक छोटा सा मछली फार्म भी है, अच्छा मछली फार्म भी है, तो आप एक फार्म पे आके 6 प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं, उसमें मेरा भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा रोल है, ठीक है। तो हम लोग उसको भी अपडेट इसी वीडियो में लेंगे, और आप आइए यहाँ विजिट कीजिए, यहाँ पे कई अपॉर्चुनिटीज आपको टाइम पता चलेगी। धन्यवाद, जय श्री राम। तो ये राहुल जी का तालाब है जिसमें ये बहुत जल्दी इसी महीने में मछली डालने वाले हैं, इसकी अभी टेक्निकल तैयारी चल रही है इनकी, ठीक है। तो राहुल जी आप मछली का व्यवसाय, मुर्गी फार्म तो आपका है ही, मशरूम है, खेती है, फल आप हमें करवाने जा रहा हूँ, आपको नर्सरी करा रहा हूँ, 2-3 प्रोजेक्ट में हम साथ हैं, लेकिन आप अब मछली फार्म भी शुरू कर रहे हैं, क्यों? मछली फार्म की शौक है मुझे। और कोई व्यापारिक कारण? नहीं, व्यापार के कारण नहीं, मुझे शौक है मछली फार्म चलाना। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका एक व्यापारिक लाभ है कि आपके बगल में जो खेत है, इसका तालाब का पानी अगर आप इस खेत में ले जाएंगे तो आपकी उपज यूरिया अधिक मिलेगा आपके चारे से, और दूसरा आपका मुर्गी फार्म जो है उसका वेस्ट जो है मछली खा लेगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट तंत्र है, फल की खेती, मशरूम, नर्सरी, सब जुड़े हुए हैं आपस में, मैंने कई बार पहले भी बताया हुआ है ना। तो पर मुर्गी फार्म है उसका वेस्ट अभी मछली के तालाब में जाएगा, मछली के तालाब का पानी का सर्कुलेशन इनके जो पपीते की खेती उसमें जड़ों में होगा, पपीता जो इनका 30-40 किलो 50 किलो आना है वो आ जाएगा 80-90 किलो, वजन बढ़ जाएगा सब पपीतों का, क्योंकि उसको रेगुलर नेचुरल यूरिया मिलेगी, क्योंकि जो तालाब का पानी होता है वो बहुत अच्छा होता है खेतों के लिए, आपको यूरिया डीएपी डालने की जरूरत ही नहीं। इसके अलावा जो इन्होंने मशरूम फार्म किया है उसी मुर्गी खाद से और अन्य चीज़ों को करके, मशरूम बेचने के बाद वो हम परचेज करते हैं, फल भी हम परचेज करेंगे इनका, है ना, और प्लस जो खाद बचेगी
उससे हम वापस से नर्सरी बना रहे हैं और आसपास के किसानों को दे रहे हैं। नर्सरी का लाभ इनका अच्छा होगा, आप हमारे अलग वीडियो में देखिए कैसे नर्सरी के प्रोजेक्ट्स हैं, अलग से आने वाले हैं। तो इनके 8 प्रोजेक्ट्स सारे इंटरकनेक्टेड हैं, दो भाई मिलके 8 प्रोजेक्ट रन करते हैं, ठीक है। और फेंसिंग कर रखी है प्रॉपर, क्योंकि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, फेंसिंग लिया, डिजाइन से काम किया है। कंसल्टेंट मेरे हैं, मेरे अलावा और भी 2-4 कंसल्टेंट इनसे जुड़े हुए हैं, जो उनको ज्ञान देते हैं, जाके प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। तो हमें ऐसे नौयुवक लोगों की जरूरत है। एग्रीबाइट ऐसे बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दे रही है और फार्म्स पे हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं। आपको हमसे कुछ सहयोग मिला, कैसा लगा? बहुत बहुत सहयोग मिला हमसे। आपका नंबर हमारे, आपका नंबर भी, आप राहुल जी का नंबर इसमें रहेगा, आप लोग गाइडेंस लीजिए और प्रोडक्शन आप कीजिए। आई एम हियर टू बाय इट, ठीक है। पहले आप हमसे बुक कीजिए और बुक करने के बाद आप बोइए, लगाइए, प्रोजेक्ट डालिए, आपको कभी भी सेल्स की समस्या नहीं आएगी। आपको हमसे कुछ सेल्स के बारे में बारीकियां पता चलती हैं? हाँ, बहुत सारी बारीकियां आप बताते हैं, नहीं तो हमारी फसल सब वैसे ही हम लोग ऐसे तैसे बेच देते हैं सस्ते में। नहीं, सस्ते में नहीं बेचना है, सारी ट्रांसपोर्ट प्लानिंग सब करेंगे। थैंक यू। तो आप साथ बने रहिए, बहुत सारी चीजें अगले एक महीने में आपको राहुल जी के प्रोजेक्ट्स पे अपडेट मिलेंगे और यहाँ पे हम व्यवस्था करेंगे, बिल्कुल। और हम यहाँ पे 2-3 दिन की कार्यशाला भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें किसान इकट्ठे हो जाएं, आएं और आप सारी चीजों को अनुभव करें। क्यों राहुल जी, आपका सहयोग मिलेगा, पूरा सहयोग रहेगा जी। धन्यवाद किसान साथियों। और ये हम लोग मांधाता के पास सराय नहर राय गाँव में है। आप राहुल जी हैं, सराय भीमसेन आप राहुल जी हैं। और तमाम सलाह और जानकारी के बाद देखिए, ये प्रथम प्रयास में इनका मुर्गी फार्म भी, उसका फाइलेंट देखिए, ये मशरूम की खेती फार्म है। आज ये प्रथम फ्लश है, अभी इनका चल रहा है, अभी एक फ्लश के बाद इनका उत्पादन बढ़ेगा। देखिए पिन हेड की क्वालिटी भी अच्छी आ रही है, गुच्छे नहीं बन रहे हैं, है ना। और देखिए 5 लेयर में है लगभग। आपने कितने क्विंटल खाद से राहुल जी स्टार्ट किया ये कार्य? सर, इसको हम 5 क्विंटल खाद से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। सूखी 5 कुंतल, हाँ, भीगी 10 कुंतल खाद से इसको तैयार। आपको जो मैंने सारणी दी थी कुछ काम आई थी वो? अब बहुत काम आई थी हमारे जी, उसी के अनुसार हमने जो है पूरा कार्य किया अपना और बहुत अच्छे से सफल हुआ है, ठीक है। तो आपको दिक्कतें कहाँ कहाँ आई और क्या निवारण किया आपने? जैसे बीच में एक बार लापरवाही हुई फंगस की वजह से आया था, लेकिन उसमें जो है हमने वो कंपोस्ट में आया था, क्रॉप में नहीं आया। कंपोस्ट में जो है थोड़ा सा दिक्कत आया था, लेकिन उसमें हमने सुधार कर लिया, फिलहाल फसल बहुत अच्छी है। तो मैं अब कुछ प्रश्न आपसे, छोटी छोटी बातें। ये लगभग 10x10 का कमरा है और इसकी आधी क्षमता का ही इन्होंने लगाया है, ठीक है। एक ही लेयर क्यों लगाई, प्रयोग किया है क्योंकि ताकि प्रथम बार ये सीख जाए। और फिर तो मैं सलाह देता हूं, जो किसान पहली बार कर रहे हैं वो छोटे से कार्य को शुरू करें। आप इनकी अब ये लगभग इनमें 2 क्विंटल माल इनका मशरूम निकलेगा, लेकिन इसके बाद ये कंपोस्ट खराब नहीं होने वाली, इससे ये नर्सरी का व्यवसाय करने वाले हैं, पपीते की अन्य प्रकार की नर्सरी। और वो पौधा भी इनको लगभग 2 लाख रुपए की आमदनी तक ले जाएगा अगले 1.5 माह में। तो यानी ये कंपोस्ट अभी बहुत उपयोगी है, इसको बेचे ना सस्ते में, बेचेंगे तो 2-3 हजार में बिक जाएगी। लेकिन इसमें कुछ विधियां हैं, उसका इस्तेमाल करने के बाद ये फिर से पौधा, क्योंकि इसमें फंगस, आप ध्यान सुनिए, आपने फॉर्मलिन डाला था, सारी फंगस खत्म कर दी, हाँ, लेकिन अब पौधा इसमें दोबारा उगाना है, जब इसकी कंपोस्ट खराब हो जाएगी इस पूरी क्रॉप के बाद तो नहीं उगेगा, ठीक है। तो उसमें दोबारा से फंगस और संवर्धन करने के लिए नर्सरी का व्यवसाय जरूरी है। आपसे कोई मशरूम खरीदना चाहे जी, तो आप अपना फोन नंबर भी बोल सकते हैं, बोलिए। मेरा नंबर है 8112705007, ठीक है। तो आप संपर्क भी कर सकते हैं, आप हमसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और आपको इनका उत्पादन आगे, आप क्या ऐसा मन कर रहा है कि आगे और बढ़ाएंगे? हाँ, बड़े स्तर पे करने का मन है जी। अभी इनका टेम्परेचर मार्च है, तो इसको हम जो है बिल्कुल सुनिए, अभी जैसे कि इनको एक एसी खरीदनी पड़ सकती है, क्योंकि अब आगे फरवरी की लास्ट, ठीक है, और इनका 28 दिन प्रोडक्शन चलने वाला है, हो सकता है तापमान बढ़ जाए, इसके लिए अभी एक एसी का निवेश ये करने वाले हैं। इसलिए टाइम से मशरूम को पहली बार कर रहे हैं, सितंबर में कृपया स्टार्ट कर लीजिए, ताकि आपको पहली बार नर्सरी पैसा ना हो, कई बार होता भी है वो, तो चलिए इनके पास मुर्गी फार्म में बैकअप है, उससे करके कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप ऊपर देखें, देखिए 5 फ्लोर है, ऊपर गर्मी ज्यादा है और आप देखेंगे फ्लश नीचे ज्यादा आया है। एक मिनट सर, ये मुझे दे दें। तो देखिए तापमान का गेम क्या है इसमें, आप नीचे एक उजाला नीचे करिए थोड़ा, देखिए नीचे का फ्लश ज्यादा तेज आ रहा है ना, आप देख सकते हैं
अभी फर्स्ट डे है ये, अगले 5 डे का अपडेट राहुल जी। हाय फ्रेंड्स, सो आप जैसा कि इस वीडियो में देख पाएंगे कि मशरूम का एक प्रोग्रेस ग्रो रूम है और उसमें सक्सेसफुली चीज़ें हो रही थी, लेकिन कल जब मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था तो उसमें एक फॉल्ट मुझे दिखी थी, क्योंकि उस टाइम वो विजिट नहीं हुई थी, कि उन्होंने ग्राउंड में भी एक लेयर बना दी थी कंपोस्ट बिछाने की अपने ग्रो रूम में, जिससे कि ज़मीन से कीड़े वगैरह रेंग के उसके अंदर घुस जाते हैं। और आज उन्होंने टेस्ट, ये देखिए इसमें घुसे हुए हैं, ये पहला फ्लश ग्राउंड वाली छुड़वाया था, हार्वेस्ट जब किया ग्राउंड वाला तो उसमें छोटे छोटे कीड़े निकले मशरूम के अंदर, क्योंकि ज़मीन से वो अपने भोजन खोजते हुए पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसकी फोटो वगैरह भी मैं इसमें अटैच करूंगा, अभी आप देख पाएंगे क्या। तो इसमें गलती क्या हुई कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन उनको थी वो पूरी तरह से उन्होंने उपयोग नहीं की थी और बीच में उनको डिस्कनेक्ट हुए थे, लेकिन मैंने उनको रेमेडी दी है और वो ताज़ा चूने का घोल जो है पिलर पे लगाएंगे ताकि ऊपर ना कुछ नहीं चढ़े, ऊपर का उनका मशरूम पूरा सेफ रहेगा, क्योंकि एक लेयर उन्होंने ज़मीन में बिछा दी थी जो कि नियम नहीं है, नहीं बिछाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, हम फॉर्मलिन का इस्तेमाल या स्टेलाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है मशरूम की खेती का, तो आपको हर मतलब छुआछूत का बिजनेस है मशरूम, मतलब थोड़ा भी छू गया तो गंदा हो गया, सोचिए। तो आप ज़मीन में कैसे कंपोस्ट बिछा सकते हैं, कीड़े रेख के चले जाएंगे बाहर से, अगर आपके यहाँ खेती क्यारी है तो और भी तमाम की तरह के कीड़ों की उपलब्धता वहाँ पे आसानी से है। ठीक है, तो थोड़ी भी लापरवाही ना करें, अगर लापरवाही हो जाए तो उसको संभालने के कुछ तरीके हैं। जैसे दो बार मैंने इनका प्रोजेक्ट संभाला है, एक बार था कि इन्होंने वही पलटाई के समय फॉर्मलिन का इस्तेमाल किया, उसके बाद बीच में बिना फॉर्मलिन का इस्तेमाल किए घुस अंदर जाके पलटाई कर रहे थे, तो और एक और गलती कर रहे थे कि मैंने उसको पहले शुरुआत में ढकने के लिए बोला था, क्योंकि खुले खेत में था तो वहाँ पे डस्ट उड़ रही थी, ठीक है, ट्रैक्टर्स गुजर रहे थे बगल में रोड के बगल ही, तो वो धूल उस पर पड़ रही थी, तो इसमें वो गांव वाले कुकुर मुत्ता वगैरह निकल आए थे इनके कंपोस्ट में। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसको मैंने दोबारा फॉर्मलिन डलवा के, इससे 10 दिन प्रोजेक्ट डिले भी हुआ, जिसकी वजह से इनको अब AC लगानी पड़ रही है। ठीक है, अदरवाइज अब तक ये प्रोडक्शन करके बेच भी चुके होते, तो मतलब इनका कंपोस्ट साइकिल 28 दिन के बजाय लगभग मेरे ख्याल से 40 डेज लग गया, क्योंकि 10 दिन तो इनके पहले बेकार ही हो गए क्योंकि इन्होंने ढका नहीं था उसे। ठीक है, इसके लिए आपको चैनल पे जाके वो कंपोस्टिंग प्रक्रिया वाला डिटेल वीडियो इनके प्लॉट का आपको देखना होगा, कि जो मैं मुँह से बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कोई भी बात अनायास नहीं बता रहा हूँ, वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही क्रिटिकल बातें बोल रहा हूँ, रियल बातें बोल रहा हूँ। ठीक है, आप खुद करोगे आपको सब समझ में आ जाएगा, तो अगर आप एक भी बात पूरी प्रक्रिया में जो बोली जा रही नहीं मानते हैं, आप मान के चलिए आपको फेल्योर आएगा ही आएगा। ठीक है, फेल्योर का प्रकार, जैसे इनका मशरूम तो उग गया, कंपोस्ट चलो बन गई, कंपोस्ट में एक बार फेल हुआ, मशरूम उगने में क्या फेल हुआ, स्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से इन्होंने एकदम जमीन से सटा, जमीन पे ही बिछा हुआ एक लेयर इन्होंने बिछाई थी, वो आपको वीडियो में दिख रहा होगा, अभी कुछ फोटोग्राफ्स ही मैंने मंगाई है उनसे। तो अब इसको सुधारा कैसे, पहले तो मैंने उस लेयर को डिस्कनेक्ट किया और इसको माल में बाहर निकाला लूंगा, अभी नर्सरी की प्रक्रिया में जाएगा, इसको सुधारना अब संभव नहीं है क्योंकि पूरे नेटवर्क में उनके कीड़े फैल गए होंगे या जो भी। ठीक है, वहाँ पे फॉर्मलिन का स्प्रे होगा और सफाई हो जाएगी, और वो माल जो निकला, अब इससे इनका क्या हुआ कि 20% प्रोडक्शन लॉस हुआ, अच्छे थे 5 बेड थे, एक बेड पूरा खराब हो गया, तो 20% का प्रोडक्शन लॉस हुआ। लेकिन इसीलिए फार्मर्स, हो सकता है कि जो प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ट्रेनर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, वो आपको कुछ भाषा बोल रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं कि मेरे बोलने से आप समझ पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे, आपसे मेरी वो बात हर जगह लागू होती है, आप शायद ये नहीं समझ पा रहे, इसीलिए ज़मीन पे आप नहीं बिछाना चाहिए था क्योंकि आपको पता था कि छुआछूत है इसमें, लेकिन ये बहुत बेसिक सा कॉमन सेंस है, इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को कई बार देखिए और छोटे पैमाने पर 1000-2000 के भूसे पर पूरी प्रक्रिया को करिए, और बिना गलती के जब आप आखिरी में पहुंच जाएं तो आपको पता चल जाएगा ये गलतियां थी, ये मैंने सही किया, जो ये प्रोफेसर्स ये बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्टर्स इंजीनियर्स ये बता रहे हैं, लेकिन मैं समझ कुछ और रहा हूं, तो वो अंतर भी समझ में आ जाता है, हमको ये भी समझ में आता है। कई बार कुछ फार्मर्स होते हैं बहुत तेजी से ग्रैप्स करते हैं, हम कुछ बताते हैं एक बार में, है ना, क्योंकि उनको अनुभव होता है, अनुभव वाला व्यक्ति जल्दी सीखता भी है। ठीक है, और यदि एकदम पहली बार कर रहे हैं, नया, किसी का देखा नहीं है, है ना, खुद से ही बिछाया, बहुत हिम्मत करी है, जैसे राहुल जी ने बहुत हिम्मत करके मशरूम का काम शुरू किया,
तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी हिम्मत के कारण बहुत सारे बच्चों को और किसानों को और सीखने को मिलेगा कि एकदम जिसने पहले कभी मशरूम की खेती देखी नहीं हो पहली बार कर रहे हैं तो उनकी ऑडिट होना, वीकली विजिट होना, उनके हर स्टेप पे इंस्ट्रक्टर का पहली बार में साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप ट्रेनिंग सेशंस में पार्ट लें और रिगरस ट्रेनिंग करके उसकी फीस दें, आपकी कभी फीस खराब नहीं जाएगी जहां भी आप ट्रेन करें। बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे अदर प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग के लिए मिल जाएंगे, उनकी कम ज्यादा थोड़ी बहुत फीस रहेगी, सुविधाएं वहां भी आप करें, कहीं भी करें। लेकिन आप विदाउट ट्रेनिंग मशरूम को सक्सेसफुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें प्रोसेस ट्रेनिंग के साथ आपकी मेंटल ट्रेनिंग होना भी बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो भले लंबा हो रहा है ये मेरे बीच में वीडियो ऐड करने से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आप अपने फ्रेंड्स को जो मशरूम कर रहे हैं उनको बताइए आपकी छोटी छोटी सावधानी। अभी अगर आपका प्रोजेक्ट नया है, रन कर रहा है, आप हमसे उसको ऑडिट भी करा सकते हैं, वीडियो ऑडिट करा सकते हैं। आप वीडियो बना के हमें भेजिए, हम उसमें आपको बताएंगे क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आप आगे कर आप दीजिएगा, तब हम वीडियो भेजेंगे। पकड़िए, लेकिन ऊपर का फ्लश की स्पीड कम रहेगी क्योंकि टेम्परेचर है ना, तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ऊपर छत पे भी आप पैरा डाल दीजिए आजकल में ठंडा करने के लिए, ठीक है? थोड़ा बहुत डला है पहले, डला है हाँ ठीक, कुछ छाया की व्यवस्था वहां कर दीजिए। तो राहुल जी, कुछ आप अपनी तरफ से बोलना चाहें जो ये टाइम, कुछ आप अपनी तरफ से बताना चाहते हैं जो मैंने नहीं पूछा आपसे? सर, मशरूम की खेती करने की लालसा हमको बहुत पहले से ही थी। हम ऐसा सोचते रहते हैं कुछ नया किया जाए, कुछ नया टेक्निकल होना चाहिए, आप पकड़े, कुछ नया कार्य टेक्निकल करने की जो है इच्छा जाहिर होती रहती है। टेक्निकल क्राउन में आपको बताऊं, किसान जो किसान वेस्ट होता है भूसा, फसल का वेस्ट होता है पैरा, और मैं आपको एक अपडेट दूं, मैंने कई बार बोला कि हमने सरपत से भी मशरूम उगाना सफल कर दिया है, जो आप इसी चैनल पे इसी वीक में आपको मिल जाएगा, वो प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा चलविला में, सरपत से भी मशरूम सफल कर दिया है। तो हम कृषि के वेस्ट से हम कर सकते हैं। मुर्गी खाद लगी, वो भी वेस्ट हुआ, कोई प्रदूषण नहीं हुआ, इसको अगर आप खेत में जला दें हम तो वो समस्या भी बिल्कुल। तो मैं उन किसानों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, खेत में कृपया चीजों को जलाएं ना और प्रॉपर साइंस सीखें। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, पहली बार तो ट्रेनिंग अति आवश्यक है, अदरवाइज नुकसान हो सकता था, है ना? बीच हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बीच में इनकी एक फंगस में आ गई थी खेत में, एक हुई थी प्रॉब्लम कि बिना फार्मेलिन डाले प्रक्रिया कर दी गई थी, लेकिन इसको संभाला गया, एक्स्ट्रा पलटाई और उससे डिले भी हुआ, उसी डिले के कारण देखिए अब एसी लगानी पड़ रही है 5-10 दिन की, मानेंगे ये बात? तो हमें नियम का पालन करना है, मशरूम कभी धोखा नहीं देता, और विश्वास करिए 10,000 रुपया लगा के नर्सरी तक जाते जाते आदमी 2-2.5 लाख रुपए तक का टर्नओवर कर लेता है 3 महीने में। तो धन्यवाद, आपके जो भी प्रश्न है नीचे पूछें, और आप राहुल जी से संपर्क भी कर सकते हैं, उनसे भी आप अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ आके भी आप ट्रेनिंग वगैरह ले सकते हैं। धन्यवाद।